हेलो गाइस, कैसे हो सब? तैयार आज एक और नए वीडियो के साथ वापस। और गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में। जी हाँ गाइस, इन सभी फिल्मों में आप सभी को मस्त कहानी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन फिल्मों की कहानी जो है वो आप सभी को मस्त थ्रिल करती रहेगी और बढ़िया एक्शन के साथ साथ इन फिल्मों में आप सभी को क्राइम के थ्रू बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मूवी है जो आप सभी का मस्त टाइम पास कराएंगी और आप सभी को भरपूर मजा देने वाली है। तो फिल्में काफ़ी ज़बरदस्त हैं, आप सभी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन सी है वो फिल्में, कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे देखने, कंप्लीट डिटेल आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आओ यार, फिर और देरी ना करते हुए सीधा वीडियो के अंदर डुबकी लगाते हैं। नंबर 5 पर आती है कापा 6 IMDb रेटिंग के साथ। 2022 में रिलीज हुई एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। बात की जाए अगर इस फिल्म के बारे में, तो गाइस इस फिल्म के अंदर आप सभी को पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिल जाते हैं। तो भाई एकदम बवाली लुक होता है उनका इस फिल्म के अंदर। फिल्म की ओवरऑल स्टोरी के बारे में बात करें, तो गाइस फिल्म की जो स्टोरी लाइन होती है वो बेस्ड रहती है एक आनंद नाम के बंदे के ऊपर, जो कि एक IT प्रोफेशनल होता है और गलती से उसकी जो पत्नी होती है उसके लिस्ट उसका जो नाम होता है वो कापा की क्रिमिनल लिस्ट में आ जाता है। और फिर भाई वो उसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए तिरुवनंतपुरम जाता है जहां फुल ऑन गैंगस्टरों का राज है। वहां जाने के बाद किस तरीके से वो मामला सॉर्ट आउट करता है, वो सारी कहानी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। ये फिल्म बढ़िया फुल ऑन गैंगस्टरों वाली वाइब देती है। तो गाइज काफी मजा आता है इस फिल्म को देखते वक्त, और फिल्म के अंदर आप सभी को मस्त एक्शन देखने को मिलता है। बढ़िया क्राइम थ्रिलर फिल्म है, तो आप सभी को मिस नहीं करनी चाहिए, जाकर देख सकते हो। ये फिल्म आप सभी को अनऑफिशियली यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, जाकर देख लेना। अगर नहीं मिलती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर मुझे मिल जाती है तो। इसी के साथ नंबर 4 पर आती है रन बेबी रन 6.2 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के अंदर आप सभी को जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी और मस्त एकदम सस्पेंस वाली वाइब भी आएगी इस फिल्म से। तो भाई इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन होती है वो बेस्ड रहती है सत्या नाम के एक बंदे के ऊपर, जो कि एक बैंकर होता है और उसे अपनी कार के में एक लड़की की लाश मिलती है। और वो लाश मिलने के बाद किस तरीके से वो भाई डिसीजन लेता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और पता लगाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है, और फिर वो निकल चलता है उसी रास्ते पर और किस तरीके से भाई एक के बाद एक जो उसके सामने राज खुलते जाते हैं वो सारी कहानी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। फिल्म बढ़िया है, आप सभी को मस्त सस्पेंस थ्रिलर वाली वाइब भी देगी, तो आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हो। ये फिल्म भी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, आराम से जाकर इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 3 पर आती है क्रिस्टोफर 6.3 IMDb रेटिंग के साथ। ये भी एक काफी बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के रीटोल में आप सभी को ममूती देखने को मिल जाएंगे। ये फिल्म आप सभी को डेफिनेटली जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यार इस फिल्म के अंदर आप सभी को कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलने वाला है। फिल्म की अगर स्टोरी लाइन के बारे में बात करें, तो इस फिल्म के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है प्रेजेंट और पास्ट की कहानी हमें एक साथ देखने को मिलती है, चलती रहती है। तो उसी में आप सभी को देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से एक जो पुलिस वाला है जो एक मनमोजी टाइप का होता है वो एक केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जब भाई कानून के हाथ में रह करके चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो वो जो है वो कानून के बैरियर को तोड़ देता है, मतलब कि कानून के परे जा करके किस तरीके से वो सॉर्ट आउट करता है, वो कौन सा केस है, क्या है, वो सारी कहानी आप सभी को इस फिल्म के अंदर देखनी है। और मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि भाई फिल्म को एक बार स्टार्ट किया तो पूरा एंड तक देखना, आप सभी को समझ में तभी आएगा पूरी तरीके से। तो काफी बढ़िया फिल्म है, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आप सभी को Amazon Prime पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस फिल्म को हिंदी में देख सकते हो। नंबर 2 पर आती है लाठीचार्ज 6.7 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक जबरदस्त फुल ऑन एक्शन मूवी है। जी हाँ गाइस, इस फिल्म के अंदर आप सभी को 40 से 45 मिनट तक लगातार एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है इस फिल्म के एंड में। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार इस फिल्म की कहानी ही कुछ इस तरह की है। फिल्म की अगर स्टोरी लाइन के बारे में बताओ, इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन होती है वो बेस्ड होती है एक कांस्टेबल के ऊपर, जिसका पंगा हो जाता है वेल्लई नाम के सबसे बड़े गुंडे से। तो किस तरीके से भाई उन दोनों के बीच में जो राइवलरी स्टार्ट होती है, वो क्या सीन रहता है, किस तरीके से कौन किसका बदला ले पाता है एंड में, वो सारी कहानी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। मतलब कि अगर इस फिल्म के अंदर आप सभी को फुल ऑन एक्शन देखने को मिलता है, अगर आप सभी को एक्शन देखना पसंद है तो आप सभी को ये फिल्म जरूरी ट्राई करना चाहिए। इस फिल्म के अंदर एक्शन के अलावा भी और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बढ़िया कहानी है। ये फिल्म से एक्सपेक्टेशन तो मुझे काफी ज्यादा थी, लेकिन यार उन एक्सपेक्टेशन को तो बीट नहीं कर पाई, लेकिन एक बढ़िया जबरदस्त एक्शन मूवी जरूर थी, जिसे आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हो, ये फिल्म अभी आप सभी को फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म पर तो नहीं देखने को मिलेगी, बट आप सभी को ये फिल्म YouTube पर अनऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ आजकल ये फिल्म TV पर प्रीमियर हो रही है तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। सो फाइनली गाइस, नंबर 1 पर आती है नंदी 7.9 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक जबरदस्त एक्शन क्राइम फिल्म थ्रिलर फिल्म के साथ ही साथ बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी है, क्योंकि यार इस फिल्म की जो कहानी है वो आप सभी को पूरा एंड तक बांध के रखती है। फिल्म की जो कहानी है वो बेस्ड रहती है सूर्या नाम के एक बंदे के ऊपर, जो कि एक सिंपल सा बंदा होता है और IT प्रोफेशनल में होता है, काम करता है, सिंपल सी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि भाई वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में फंस चुका है, जो उसने किया भी नहीं है। उसके बाद वो जेल जाता है, और वहां जाने के बाद जो इस बंदे की ली जाती है इतना पेला जाता है भाई, खतरनाक होता है। वो फुल ऑन सीरियस मूड में इस फिल्म की कहानी चलती है, एकदम सीरियस टोन में। तो भाई किस तरीके से वो
वो मर्डर किसने किया है, क्यों वो फंसा है, क्या होता है, क्या बच पाता है या नहीं, वो सारी कहानी आप सभी को इस फिल्म के अंदर देखनी है। ओवरऑल बोलूंगा काफी जबरदस्त मूवी है। इस फिल्म के लीड रोल में आप सभी को अल्लरी नरेश देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस फिल्म के अंदर गोलियां इशारों से रोकी जा रही हो। अगर आपको समझ आया तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। तो ओवरऑल बोलूंगा काफी बढ़िया मूवी है और यूट्यूब पर ऑफिशियली अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो जाओ जाकर देखो, एकदम मजा आएगा। तो भाई लोग यही थी साउथ की वो पांच जबरदस्त हाल फिलहाल में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्में। इनमें से आपने कौन कौन सी फिल्म पहले से देख लिया और अब आप कौन सी फिल्म देखने वाले हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ और आप सभी को जबरदस्त मूवीज बताता रहता हूँ। तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।